हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं G10 नंबर के बारे में, ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर क्या होता है अमेजोन में और इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं अमेजोन में और इसका अप्रूवल हम कैसे लेंगे, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप अमेजोन में न्यू सेलर हैं तो अमेजोन में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी कोई प्रोडक्ट आईडी होनी चाहिए, यानी कि ASIN नंबर होना चाहिए या UPC नंबर होना चाहिए या ISBN नंबर ना होना चाहिए, मतलब आपके प्रोडक्ट का कोई नंबर आइडेंटिफिकेशन कुछ होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जनरली जो बस आपको क्या करना पड़ता है, अमेजोन में जाकर के इसके एक डैशबोर्ड होता है, उसमें जाकर के ये रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है कि हमारे प्रोडक्ट में ASIN नंबर या ISBN नंबर या UPC नंबर नहीं है, हमें क्या है G10 नंबर प्रोवाइड कीजिए। तब आप क्या करेंगे, अमेजोन G10 नंबर आपको प्रोवाइड करेगा, उसके बाद में आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकेंगे, प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकेंगे अमेजोन में। तो इस तरीके का एक प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड्स, इसको डिटेल में जानने के लिए हम चलते हैं अपने तो फ्रेंड्स, इसको डिटेल में जानने के लिए मैं आपको प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा देता हूँ अपने डेस्कटॉप में। तो फ्रेंड्स, चलिए डेस्कटॉप में देखते हैं इसको किस तरीके से हम इसका अप्रूवल ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने अमेजोन सेलर अकाउंट में जाना होगा। जाने के बाद में स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, GTN एग्जेम्पशन दो तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आप न्यू अमेजोन सेलर हैं तो आपको जो अमेजोन है वो इस पेज पर आपको लैंड कराएगा। इस पेज पर लैंड कराने के बाद में आप यहाँ पे देख रहे हैं आई हैव प्रोडक्ट विदाउट। दूसरा तरीका ये है कि आप इस सर्च बॉक्स में जाएंगे, सर्च बॉक्स में जाने के बाद में GTN एग्जेम्पशन लिखेंगे इसमें और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये होगा सेलेक्ट, इस पर क्लिक करना है आपको और उसके बाद में यहाँ पे GTN प्रोडक्ट आईडी फॉर अप्रूवल। ओके, यहाँ पे आप कर देंगे क्लिक और इस लास्ट में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप अपना GTN एग्जेप्शन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लेने के लिए। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोडक्ट की कैटेगरी सेल कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ शूज़, ये रहा शूज़, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे अपने ब्रांड या पब्लिशर का नाम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, अगर नहीं है तो जेनरिक डाल लेंगे, अगर है तो अपने प्रोडक्ट का एक्चुअल नाम वही डालेंगे। ओके, और अगर दूसरी और कैटेगरी में आप अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरी आपके पास प्रोडक्ट है, तो यहाँ से आप अपने अलग अलग कैटेगरी के लिए GTN एग्जेप्शन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे स्टेटस चेक हो जाएगा आपका GTN एग्जेप्शन का स्टेटस ठीक है, ओके है, तो यहाँ पे अप्लाई फॉर सेंड फॉर अप्रूवल कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स GTN एग्जेम्पशन ले सकते हैं। जब उसके बाद में आप अपना GTN रिक्वेस्ट देख सकते हैं, जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद में आप अपने इस लिंक पर क्लिक करके आप अपने स्टेटस देख चेक कर सकते हैं कि आपके GTN एग्जेम्पशन की अप्रूव रिक्वेस्ट अप्रूव हुई है कि नहीं हुई है। फिर उसके बाद में आप अपने प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो कैटेगरी को चूज़ करने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे, कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे शूज़ में चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, शूज़ एंड हैंडबैग्स, उसके बाद में ये इसकी सब कैटेगरी हैं। तो इस तरीके से मैंने ये कैटेगरी सेलेक्ट की है। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आईडी हुआ है, तो GTN जब हमारा आईडी GTN जब नंबर आ जाएगा, हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट आईडी में ये डाल देंगे GTN नंबर, उसके बाद में ये GTN सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में ये टाइटल ब्रांड डिपार्टमेंट ये इस तरीके से हम यहाँ पे एक एक करके इसमें सिलेक्शन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट है आपका, देखिए मैंने इस कैटेगरी में शूज़ प्रोडक्ट कैटेगरी चूज़ की थी, तो उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्म फिलअप कराएगा हमसे। अगर आपका प्रोडक्ट कोई और दूसरी कैटेगरी में है, मान लीजिए कि आप ब्यूटी प्रोडक्ट कोई बेच रहे हैं, तो उसके लिए अलग थोड़ा सा ये फॉर्मेट हो जाएगा, इसमें फॉर्म फिल करवाएगा आपकी, जो उसके अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपका कौन से ब्रांड का है, क्या है, किस तरीके से, वो सारी की सारी यहाँ पे डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे वेरिएशंस डाल देंगे, वेरिएशंस आपका किस तरीके का है, और उसके बाद में ऑफर यहाँ पर हम दे देंगे, प्राइस वगैरह जो एक्चुअल प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस क्या है, सेलर SKU, देखिए फ्रेंड्स ये आपको खुद अपने एंड से क्रिएट करना पड़ेगा, कंडीशंस आपकी यहाँ पे फिल करनी होगी, यहाँ पे प्राइस वगैरह डाल देने हैं, क्वांटिटी का सबसे मेन क्या है कि क्वांटिटी भी आपको देखनी है कि कितनी आपके पास प्रोडक्ट स्टॉक में है, वो आप यहाँ पे डालेंगे।
और उसके बाद में आप यहाँ पे शिप, और आप अमेज़ॉन के थ्रू शिप कराना चाह रहे हैं या सेल्फ शिप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप चेक इन कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी इमेजेस होंगी वो 9 इमेजेस होती हैं। मेन इमेजेस में आपको बहुत अच्छे से अपनी इमेज को डिज़ाइन करना है। सारी इमेज देखिए, इमेज इज़ द बेस्ट परफेक्ट, मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन इमेज ही डालती है कि यूज़र का डिसीजन, तभी वहीं से इमेज से ही होता है कि आपको आपका प्रोडक्ट बिकना चाहिए, सेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए। अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप न्यू सेलर हैं और अपना प्रोडक्ट अमेजोन पे बेचना चाह रहे हैं तो मेरी ये वीडियो देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस मैंने बताए हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट पे अमेजोन कितना कमीशन लेगा या कितनी फीस ले सकता है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा।